बेटा आज हमारी है ये वर्कशीट हमारी 36। इसके अंदर बेटा पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। मैंने वर्कशीट 35 में आपको कराई थी एक आइडेंटिटी जो थी साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक अब हम आज न्यू आइडेंटिटी करेंगे, वो हमारी है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम यदि यहाँ पे लिखेंगे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा तो वो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्लियर हो गया। अब हम करेंगे पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल है 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू टेन स्क्वेयर ए सीकेंट ए माइनस 1 का स्क्वेयर। बेटा हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट साइड पे पहुंच जाएंगे। जब हम पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारी है 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। हमें पता है कि हम कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सीकेंट ए, यहाँ पे भी 1 माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए, क्योंकि यहाँ सीकेंट ए आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हम इसका लेंगे नीचे एलसीएम, तो मैंने लिया सीकेंट ए, वो मेरे पास आ गया सीकेंट ए प्लस 1 अपॉन सीकेंट ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए। अब हमारे पास आ गया सीकेंट ए प्लस 1 अपॉन सीकेंट ए मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला गया तो ये उल्टा हो जाएगा सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए माइनस 1, ये सीकेंट ए के साथ कट। अब मेरे पास क्या आया सीकेंट ए प्लस 1, मेरे पास आ गया सीकेंट ए माइनस 1। अब मैंने इसे रैशनल लाइन कर लिया सीकेंट ए प्लस 1 और सीकेंट ए, यहाँ माइनस था ना तो मैं इसको माइनस ही कर रही हूँ, उसी से मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये मेरे पास आ गया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, ये मेरे पास आ गया सीकेंट ए माइनस 1 का स्क्वायर। हमें ये पता है कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 कितना होता है, टेन स्क्वायर ए अपॉन सीकेंट ए माइनस 1 का स्क्वायर, जो हमारा क्या है बेटा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। उसी तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो मैंने ले ली है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं बेटा सीकेंट स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की आइडेंटिटी को क्या लिख सकते हैं हम, को सीकेंट स्क्वायर ए। अब उसके बाद सीकेंट क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसीकेंट क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। जब साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। हमें पता है साइन बटा कॉस क्या होता है टेन ए, इसके ऊपर भी स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया स्क्वायर, ये तो हमारी क्या बन गई राइट हैंड साइड। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 3, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 1 प्लस कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए। मैं उसी तरह लेके चलूंगी बेटा लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारे पास है कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। अब हमें ये दिख रहा है कि ये है तो वही चीज पर माइनस का निशान का फर्क है, मतलब यदि मैं इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और इसी के साथ मैं डिवाइड कर दूं। अब मैंने क्या बना बेटा इसको करेंगे सॉल्व, तो देखो एक प्लस है एक माइनस है, ये हमारे पे आइडेंटिटी होती है आपको पता होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर की हमारी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी,
इसका मतलब है कि इसको बड़े आराम से लिख सकती हूँ, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए। ये हमें पता है, ये हमारा क्या है, ये हमारे पास है वन, ये मेरे पास आ गया कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए। ये भी हमारे क्या बन गई बेटा, राइट हैंड साइड, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बेटा हमारा ये फिलिंग इन ब्लैंक्स, सबसे पहले है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस डैश इक्वल टू वन। हमें पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। सेकेंड हमारे पास है वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, बहुत इजी है, वो हमारे पास क्या है सीकेंट स्क्वायर थीटा, वो भी दिख रहा है हमें, वन इधर है ये इधर चला गया तो केला सीकेंट स्क्वायर थीटा। थर्ड हमारे पास है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा इक्वल टू वन, ये तो हमारा बहुत इजी है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन। अब यदि हमारे यहाँ पे प्लस में है मतलब ये उधर चला गया तो मेरे पास क्या बच गया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये हमारे चार ब्लैंक्स। अब हमने ये प्रूफ करना है कि सीकेंट थीटा स्क्वायर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा वन के बराबर है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया सीकेंट थीटा स्क्वायर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास आ गया सीकेंट थीटा। हमें पता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इस स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट चला गया तो मेरे पास आ गया सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, और सीकेंट थीटा क्या होता है वन माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, और ये हमारा कैंसिल आ गया, आंसर आ गया वन, जो कि राइट हैंड साइड है। इसका मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, आपने इसको टैन स्क्वायर में लिखना है। जब हमें इसको टैन में लिखना है तो इसका मतलब टैन को तो हिलाने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारे पास तो क्या टैन स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बच गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें बहुत अब याद हो गया हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये मेरे पास आ गया टैन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे आंसर कह रहा है कि टैन में आंसर निकालो। यदि वो कहते हैं साइन थीटा कॉस थीटा में निकालो तो हम क्या लिखते हैं साइन थीटा बस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, सेकेंड में फिर हम इसको वन माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा करते थे। ओके, ये हमारा क्वेश्चन आ गया है एक्स इक्वल टू बी सेकेंड थीटा प्लस क्यू टेन थीटा, वाई की वैल्यू है पी टेन थीटा प्लस क्यू सेकेंड थीटा। प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हम बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेंगे, मतलब पहले इसका स्क्वायर ये लीजिए पी सेकेंड थीटा प्लस क्यू टेन थीटा का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर पी टेन थीटा प्लस क्यू सीकेंट थीटा का स्केयर। ए प्लस बी का स्केयर खोलना बेटा, मेरे पास आ गया पी स्केयर सीकेंट स्केयर थीटा क्यू स्केयर टेन स्केयर थीटा प्लस टू पी क्यू सीकेंट थीटा टेन थीटा। अब ये माइनस है अंदर, ये आ गया पी स्केयर टेन स्केयर थीटा प्लस है प्लस माइनस 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 क्यू स्केयर सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टू पी क्यू टेन थीटा सीकेंट थीटा। ये देखो ये तो कैंसिल, अब मेरे पास बच गया एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल टू पी स्केयर, कॉमन ले लो, ये आ गया सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा। अब यहाँ मैंने लिया माइनस क्यू स्केयर क्योंकि ये हमारा माइनस में था, ये प्लस में था, प्लस माइनस माइनस तो माइनस है, जब ये हमारा माइनस में है तो माइनस क्यू स्क्वायर, ये हमें माइनस लेंगे यहाँ से देखो यहाँ जब माइनस लेंगे तो यहाँ पे भी माइनस वाला पहले लिख दें, वो भी आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हमारे क्या होते हैं दोनों वन। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, जो कि हमारे इससे मैच करता है। तो अब हमारा हो गया हैंस
अप्रूव्ड। थैंक यू बेटा।